हाशमी जल्द ही फिल्म वाई चीट इंडिया में नजर आने वाले हैं। उन्हें बॉलीवुड का सीरियल किसर कहा जाता है। इस टैग पर इमरान ने बेबाक अंदाज में चर्चा की। इवेंट में इमरान ने बताया कि कैसे ये इमेज बनी और अब वो इसे बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए हैं। इमरान हाशमी के इवेंट में एंट्री के बाद उनकी पहली हिट फिल्म मर्डर के सुपरहिट नंबर भीगे हों तेरे को ट्यून किया गया था। ये गाना सुनने के बाद इमरान का कहना था कि मुझे नहीं लगता था कि ये गाना यहाँ बैठे यूथ ने सुना होगा, क्योंकि इनके पेरेंट्स ऐसी फिल्में देखने की परमिशन नहीं देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो मानते हैं कि एक अडल्ट फिल्म थी और ये गाना YouTube पर इन बच्चों ने ज़रूर देखा होगा। इमरान ने यह भी कहा कि वो खुद को अब सीरियल किसर की इमेज से बाहर ला चुके हैं। जब ये पूछा गया कि वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं तो इमरान ने सीधा जवाब दिया कि सीरियल किसर बनना आसान नहीं है, लेकिन अब वो 17 साल से किसिंग सीन करते करते थक चुके हैं। एक फिल्म में 20 किसिंग सीन करना आसान नहीं होता। सही कहूँ तो अब एक रिटायर्ड किसर हूँ। इमरान ने इवेंट में ये भी बताया कि उन्होंने पहला किस 10 साल की उम्र में किया था। 6 साल की उम्र में उन्हें एक लड़की पसंद आई थी, उसका नाम था सनम। उन्होंने उसे फैमिली फंक्शन में देखा था। उसे देखने के बाद पेरेंट्स को बोला कि इससे शादी करनी है। हालांकि इमरान इन खुलासों को करने के दौरान ये कहते भी नजर आए थे कि शो आज मेरी पत्नी भी देख रही होगी। इवेंट के दौरान इमरान से फैंस ने किसिंग टिप्स मांगे। इस पर एक्टर ने हंसते हुए जवाब दिया कि प्रैक्टिस हर काम में बेहतर बना देती है, मेरी फिल्में देखो सब सीख जाओगे। इस तरह से इमरान ने सभी को एड्रेस किया और अपनी इमेज को उलट करने की कोशिश भी की। ब्यूरो रिपोर्ट इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर डिटेल्स एंड इंटरेस्टिंग न्यूज ऑफ बॉलीवुड प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री।